नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। कोरा शहर में इन दिनों अपराधियों के हौसले बड़े बुलंद होते नजर आ रहे हैं। लगातार कई दिनों से वाहन की चोरियों की शिकायत तो आ ही रही थी, जिन पर पुलिस अभी तक कोई शिकंजा नहीं कस पाई थी। हालांकि बाइक चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद होने के बाद भी इन पर अभी तक ना तो कोई अंकुश लगाया गया और ना ही इनकी गिरफ्तारी हो पाई। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब तो पुलिस चौकी के सामने भी वारदात को अंजाम देने में ये लोग पीछे नहीं हटते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया आज दोपहर, जब दो अज्ञात बाइक सवारों ने पुलिस चौकी के ठीक सामने लूट को अंजाम दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गल्ला मंडी के व्यापारी का एक मुनीम बैंक से 8 लाख रुपए लेकर मंडी की तरफ जा रहा था। वहीं नानाखेड़ी स्थित चौकी के सामने दो अज्ञात लोगों ने पहले तो मुनीम की आंखों में मिर्ची डाली, उसके बाद उसके सर पर हमला कर दिया। सर पर वार करने के बाद जैसे ही मुनीम नीचे गिरा तो इन दोनों अज्ञात व्यक्तियों ने उसके हाथ से पैसे से भरा बैग लेकर, हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन कई जगह दबिश देने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रहे। वहीं आज मंडी के व्यापारियों ने इकट्ठा होकर जिला पुलिस अधीक्षक निमिष अग्रवाल को भी ज्ञापन सौंपा और मांग की कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और कोशिश की जाए कि ऐसी वारदातें आगे से ना हों। और फिलहाल साहब चौकी के पास 11 बजे से लेके और 4 बजे तक 5 बजे तक जो पीक टाइम रहता है वहाँ पे साहब, एक चाक का गार्ड भी थोड़ा सा आज स्थायी तौर पर कर दें तो कम से कम सामने वाले को बेहतर रहता है। नहीं, इसकी व्यवस्था हम तत्काल करा देंगे। मंडी में आवक भी ज्यादा है और जो है कैश भी काफी उसका आदान प्रदान हो रहा है। तीस गार्ड क्या सेवा कर रहे हैं? वहाँ कुछ काम ही नहीं करते हैं। उनकी उपयोगिता हो, 30 गार्ड का वेतन निकला जाता है, उपस्थित कितनी है ये हम नहीं कह सकते। वेतन 30 गार्ड आदमी डंडा भी नहीं है। हम पता करते हैं मंडी के। आप एक बात, एक लाइन कह रहे साहब, सब ड्रेस में रहे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगी, वो उसका भी हम देखते हैं। और जो भी इसमें इन्वॉल्व है, जो भी गैंग मूवमेंट हुआ है, मुझे लगता है ये संभवतः शिवपुरी तरफ से कोई गैंग मूवमेंट हुआ है तो उसको भी पकड़ने में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गैंग था उसको ये अंदाजा था कि जो है इधर से डेली का माल लूटते थे। डेली का रूटीन था वो, तो मंडी में 200 दुकानों पर डेली किसी दुकान 25 लाख का भी होता, 50 का भी होता, तो वो तो पेमेंट तो अभी भी हम मंडी चालू करेंगे तो यही 8 लाख लेके आए, इनकी मजबूरी 15 लाख लेकर दोबारा जाएंगे। पेमेंट लेके आया था, किसान को पेमेंट करना था, गड्डी बजा रहा था ऑफिस, रास्ते में उसके पीछे से बार किया और आपको मिर्ची डाली। कैसे बार किया उस पर? बट से। कितने पैसे लेके जा रहे थे? 8 लाख रुपये। कहाँ से लिए थे? IDBI बैंक से। बैंक से निकाल के ला रहे। किस साधन से जा रहे थे आप? मोटरसाइकिल से। सामने कितने आरोपी थे, कितना क्या बताया उन्होंने? फल सर थी, दो आदमी थे उसमें। क्या नाम है आपका? ब्रजेश गोयल। किस नाम से आपकी घटना है? दीपक ऐप राधा रमन ट्रेडिंग कंपनी। अच्छा, किस जगह की घटना है ये? कौन सी बैंक से निकाल कर ला रहे थे पैसे? IDBI बैंक से। अभी अभी खबर आई कि एक व्यक्ति के साथ लूट हुई है, वो किसी बैंक से कुछ कैश निकाल के आ रहा था और कुछ मिर्ची डाल के जो है उसमें लूट की घटना कारित हुई है। पार्टी सर्चिंग में लगी हुई है, उन्हें आसपास के जिलों पे भी चेकिंग लगवा दी है और समझता हूँ इसको शीघ्र ही पकड़ लेंगे। कितने की लूट है सर अभी तक? अभी कैश पोजिशन जो है अभी हम अभी क्लियर नहीं है, उसको क्लियर किया जा रहा है और इसमें हमें लगता है कहीं ना कहीं से कोई इसमें इन्फॉर्मेशन गई है कि वो व्यक्ति कैश निकालने वाला था और उसका संभवतः उसका पीछा किया। कौन है सर? कैश पोजीशन अभी क्लियर की जा रही है कि आखिर कितना कैश निकाला गया और कितने का, उसमें देखना पड़ेगा कि इसमें इन्होंने किस तरह से घटना करी है और कहाँ से पीछा करते हुए आ रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, क्योंकि इसमें जो है जिस टाइम पे वो पैसे निकालने गया है उसी टाइम पे जो है ये घटना होना इस ओर इंगित करता है कि कहीं ना कहीं एक अंदरूनी इन्फॉर्मेशन थी जिस कारण ये घटना हुई है। सर, लूट के आरोपियों सर हथियार से बंदूक की बट से हमला किया गया है, जो भी इसमें घटना है उसके अनुसार इसमें जो है जो धाराएं बनती होंगी उसके अनुसार अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जाएगी।
गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क सोनोग्राफी, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और दवा वितरण का साप्ताहिक शिविर का आज शुभारंभ जिला कलेक्टर राजेश जैन ने किया। एकीकृत बाल विकास परियोजना एवं माँ बेटी सेवा समिति द्वारा आयोजित साप्ताहिक शिविर जो कि प्रत्येक बुधवार एवं हर माह के पहले गुरुवार को आयोजित किया जाएगा। इस शिविर में जिले भर से चिन्हित गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क सोनोग्राफी एवं उनका स्वास्थ्य जांच के साथ ही दवा का वितरण भी निःशुल्क ही किया जाएगा। इसके उद्घाटन समारोह में आज जिला कलेक्टर राजेश जैन पहुंचे, साथ ही महिला बाल विकास अधिकारियों ने महिलाओं को किस तरह से गर्भधारण के समय सावधानियां बरतनी चाहिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। इस दौरान वो बड़ी समस्या के रूप में है, अगर हम और विकसित देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो वहाँ ना किसी शिशु की मृत्यु होती, ना किसी माता की मृत्यु, 0 से 5 साल तरह की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य हमारी स्वास्थ्य की आपते भी हैं, सुविधाओं का अभाव भी, कई चीज़ें हो सकती हैं। हम लोग भी उस तरह से जो करना चाहिए पालन नहीं करते हैं, एनीमिया हो जाता है, खाना पीना अच्छा नहीं होता, गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है, तो एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता उसकी वजह से कहीं कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। शर्मा जी ने 2011-12 से बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट, एक नहीं 4 बार भी सोनोग्राफी करती हैं अलग अलग समय में, तो उनकी जो भी डिलीवरी है वो अस्पताल में या कुशल चिकित्सक के मार्गदर्शन में होती है, इसके बड़े अच्छे परिणाम हैं। सब जगह इसकी सराहना हुई है, विस्तार रूप किया जाए तो बहुत अच्छा काम है। सोनोग्राफी आप बाजार में जाते हैं, 1000 रुपये 800 रुपये लगते हैं सोनोग्राफी के अंदर, शर्मा जी निःशुल्क कर रहे हैं। शर्मा जी को तो हम जितना धन्यवाद दें उतना कम है, कोई नहीं करता आपके समय आजकल, ये अच्छा करेगा तो 300 रुपये मिल जाए मेरे को फीस के, शर्मा जी बेचारे लगे लाखों रुपए का काम कर चुके हैं और बिल्कुल अपने मन के साथ ही काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए गर्व की बात है कि ऐसे। नंबर 2, प्रधानमंत्री स्वच्छता पुरस्कार के लिए आवेदन किया है, इसमें हजारों की संख्या में आ रहे थे आवेदन, उसमें भी हम प्राइमरी स्टेज को क्रॉस कर रहे हैं, हम उसमें बेटर कंडीशन में आ रहे हैं, उनका रिपोर्ट आता है मेरे पास, उस प्रयास में भी हमारा ये बेहतर कंडीशन में आया, क्योंकि आप इतने बताना चाह रहे हैं कि आप कितने महत्वपूर्ण हैं, उतनी जगह पे आपकी बात को पहुँचाया जाए। चलो और सबको दे देंगे, ठीक है, हो गए सर, आ जाओ और आ गए। आज भी जारी रही नगर पालिका में शहर से अतिक्रमण हटाने की मुहिम, इस मुहिम के चलते आज एबी रोड पर से अतिक्रमण हटाया गया। सदानंद पेट्रोल पंप के सामने लगी अस्थायी दुकानों पर आज नगर पालिका की जेसीबी चली, वहां से सभी अस्थायी दुकानों को जेसीबी द्वारा हटाया गया। समस्या परे है कि नगर पालिका को क्यों सिर्फ गरीबों के द्वारा किया गया अतिक्रमण ही दिखाई देता है, जबकि शहर भर में चौराहे पर और बाजारों में अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी तरफ नगर पालिका का कोई ध्यान जाता क्यों नहीं। जाट मोहल्ले में एक मकान के सामने अतिक्रमण करने वालों को वहां से हटाने के लिए कुशवा समाज ने आज जिलाधीश राजेश जैन को ज्ञापन सौंपा। कुशवा समाज के अध्यक्ष ने बताया कि जाट मोहल्ला निवासी मीना कुशवा के पैतृक मकान के सामने कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है, जिसके चलते उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
कुशवाहा समाज ने इसके चलते कलेक्टर राजेश जैन को ज्ञापन सौंपा। हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि दिसंबर माह में पहले भी जिलाधीश महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और ना ही वहां से अतिक्रमण हटाया गया। अब जाके कुशवाहा समाज ने जिलाधीश राजेश जैन को जब ज्ञापन सौंपा तो उसके माध्यम से चेतावनी भी दी कि यदि जल्दी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कुशवाहा समाज उग्र आंदोलन करने को बाधित होगा। इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि उन्होंने नगर पालिका द्वारा कुशवाहा समाज जिला गुना के नेतृत्व में आज माननीय जिलाधीश महोदय गुना को एक ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें प्रमुख मांग ये है कि गुना शहर में जाट मोहल्ला में श्रीमती मीना कुशवाहा का पैतृक मकान है, जिसकी उनके पास दृष्टि है, लेकिन कुछ लोगों ने उनके मकान के दरवाजे के सामने अतिक्रमण कर लिया है। चूँकि मकान के सामने अतिक्रमण नहीं करना चाहिए और षड्यंत्र पूर्वक जो है कुछ लोगों की मिली भगत के कारण से ये काम हो रहा है, कुशवाहा समाज माननीय जिलाधीश महोदय को इस अन्याय के खिलाफ जो पीड़ा है वो माननीय जिलाधीश महोदय के समाज कुशवाहा समाज जिला गुना के नेतृत्व में हम लोग उनको ज्ञापन देने आए हैं और उनसे निवेदन करना है। क्योंकि पूर्व में भी दिनांक 12/12/2017 को भी आवेदन दिया गया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछली बार भी माननीय जिलाधीश महोदय ने आश्वासन दिया था कि अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण पुनः माननीय जिलाधीश महोदय से निवेदन करने आए हैं। और यदि ये कार्य अभी भी नहीं होता है तो कुशवाहा समाज को मजबूरन अपनी पीड़ा दुर्दर्द समाज के सामने, जिला प्रशासन के सामने और शासन के सामने रखने के लिए बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जिला चिकित्सालय से मई माह में चोरी हुई मोटरसाइकिल के चोरों को आज पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाना प्रभारी विवेक अस्थाना ने बताया कि मई 2017 को जिला चिकित्सालय से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसके आरोपियों को पकड़ने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक ने 4,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। इन दोनों ही चोरों को मुखबिर की सूचना पर प्रधान आरक्षक हरीश राजपूत ने गाजर घाटी के पास से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इन आरोपियों को काफी लंबे अरसे से पुलिस ढूंढ रही थी। गत वर्ष 9 मई 2017 को अस्पताल परिसर अपने गुना से एक बाइक चोरी की घटना घटित हुई थी, तो इसमें पुलिस सरगर्मी से लगी हुई थी और हम लोगों ने मैसेज भी किए थे। उसी मैसेज के आधार पर कोइफेजा थाना भोपाल में एक हरी सिंह नाम की लड़की को पकड़ा था। हरी सिंह सहरिया को कोइफेजा पुलिस भोपाल द्वारा पकड़ा गया था और उससे अपने की बाइक बरामद हुई थी, लेकिन उसके दो अन्य साथी फरार हो गए थे। ये तीनों गैंग बना के रहते थे, एक उसमें से नाम है जितेंद्र सहरिया और दूसरा भूरा मेहता। ये तीनों व्यक्ति जो पहले हरी सिंह कोइफेजा थाने में पकड़ा गया था और ये दोनों जितेंद्र सहरिया और भूरा मेहता ये तीनों जीतलवाड़ा थाना चाचौड़ा के रहने वाले हैं। ये तीनों गैंग बना के रहते हैं, अन्य बाइक चोरी की घटनाओं को भोपाल एवं अपने गुना और आसपास अंजाम दिया है। क्योंकि ये दोनों कई दिनों से फरार थे, काफ़ी इनकी दबिश दी गई जीतलवाड़ा में जितेंद्र सहरिया और भूरा मेहता के लिए, लेकिन नहीं मिले थे। कल मुखबिर की सूचना के आधार पर हमारे यहाँ के कोतवाली से उपनिरीक्षक राम शर्मा और इन्होंने जंजारी चौकी से प्रधान आरक्षक हरीश और फोर्स को साथ में लिया और दबिश दे करके इनको पकड़ा गया है, दोनों लड़के जितेंद्र सहरिया और भूरा मेहता को।
इन दोनों फरार व्यक्तियों पर श्रीमान एसपी महोदय द्वारा 4,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। अभी इनको पुराना जो प्रकरण है हमारा 318/17 जो मई का प्रकरण था गत वर्ष का, उसमें गिरफ्तार किया जा रहा है। अन्य मामलों में भी इनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों को आज माननीय न्यायालय पेश किया। कहाँ से पकड़े सर इन लोगों को जो अभी? ये इनको आरोपी गादेर घाटी है, उसके पास से इनको पकड़ा। कितने आरोप या गाड़ी चोरी कितनी की? ये अभी तो ये गत वर्ष की जो मोटरसाइकिल चोरी हुई है उसमें फरार चल रहे थे। अभी अन्य जो वाहन चोरी की घटनाएं हुई है उनके संबंध में इनसे पूछताछ की जा रही है और उसी आधार पर माननीय न्यायालय से रवानगी प्राप्त करने की प्रक्रिया की। कहाँ के रहने वाले ये लोग? ये दीतलवाड़ा थाना चाचौड़ा जिला गुना। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित किया गया 108 कुंडी महायज्ञ अश्वमेघ यज्ञ की रजत जयंती के पहले दिन अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आयोजित किया गया 108 कुंडीय श्रद्धा संवर्धन गायत्री महायज्ञ। इस महायज्ञ में करीब 3,000 लोगों ने हिस्सा लिया। हमारा स्थूल शरीर अंधकार से प्रकाश की ओर चले, हमारा सूक्ष्म शरीर असत्य से सत्य की ओर बढ़े। तीन प्रार्थनाओं को सस्वर उच्चारण करेंगे। मा अमृतम गमय ओम अमृतम दोनों हथेलियों को रगड़े और ऊर्जा को मुखमंडल पर धारण करें। परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में आज प्रथम दिवस पर 108 कुंडी संवर्धन गायत्री महायज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें 108 कुंड पर सभी ने यज्ञ किया। आज लगभग 3,000 लोगों ने यज्ञ किया। कल के कार्यक्रम सुबह से प्रारंभ होंगे, शाम के आज प्रवचन का कार्यक्रम भी है। टोल टैक्स पर एक आयशर गाड़ी के अंदर शव होने की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची मौके पर। बताया जा रहा है कि आयशर ट्रक जो कि टोल नाके के पास एक ढाबे के सामने खड़ा हुआ था, उसमें एक व्यक्ति की लाश होने की सूचना पुलिस को किसी ने फोन पर दी, जिसके बाद बजरंगर थाना पुलिस एवं एफएसएल अधिकारी मौके पर पहुंच गए। देखने पर पता चला कि आयशर गाड़ी में लॉक लगा हुआ है और अंदर एक व्यक्ति का शव पड़ा था। बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति का नाम सिराज मंसूरी है, जो कि शाजापुर का रहने वाला है और ट्रक को लेकर कल सुबह ही वहां से निकला था। मृतक के सिर पर काफी गहरे चोट के निशान भी देखने को मिले, जिससे आशंका जताई जा रही है कि उसका कत्ल किया गया है। कत्ल के क्या कारण रहे और किसने इसका कत्ल किया, इस पर पुलिस जांच कर रही है। टोल टैक्स के पास सेंगर ढाबा है, उसके जो कैंपस है ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं, उस आज एक आयशर ट्रक था, वो जो है उसके लॉक गेट बंद थे। किसी ने कंट्रोल रूम में सूचित किया कि ये चालक खड़ा है कल से और इसके लॉक भी बंद है, किसी के अंदर शंका है कि कोई गड़बड़ी है। तत्काल बजरंगढ़ पुलिस को सूचना दी गई और हम लोग इस पर पहुँचे तो ट्राला के दोनों तरफ से गेट का ताला लगा हुआ था। अंदर देखा तो एक डेड बॉडी पड़ी थी चित्तालक में सीट पे। अभी पता लगा है कि सिराज मंसूरी है, सारंगपुर का रहने वाला है और जेल से गुना के लिए रुई भरकर आए थे। कल शाम सुबह चले थे और शाम के पहुँचे हैं। ये इसका एक क्लीनर भी था साथ में, वो अभी से मौके पर नहीं है। इसके मृतक के सिर में काफ़ी बड़ा घाव है,
खून निकला हुआ है। प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला लग रहा है। किसने हत्या की है और क्लीनर क्यों भागा है, इस बारे में पूरी हम जानकारी ले रहे हैं। गंभीर मामला है, इसके ट्रक क्लीनर को बुलाया है, इस पर कार्रवाई जो भी होगी प्रकरण दर्ज करके उसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार। अरुण नगर में आए दिन हो रही चोरियां और पुलिस प्रशासन नहीं लगा पा रहा उनका कोई सुराग। कई दिनों से नगर में चोरियों का सिलसिला जारी है, इस पर पुलिस प्रशासन कोई सुराग नहीं लगा पा रहा। विगत दिनों क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह ने भी चोरियों पर अंकुश लगाने की बात पुलिस प्रशासन से की थी, जिसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। पिछले माह की अगर बात करें तो इस महीने में 28 चोरियां हुई। आज फिर चोरों ने चोरी को अंजाम देने की कोशिश की। गुलाबगंज नगरपालिका कॉम्प्लेक्स से पीछे शासकीय प्राथमिक कन्याशाला में रात्रि में चोरों ने प्रधान अध्यापक कक्ष एवं स्टोर रूम का ताला तोड़कर सेंधमारी की। इस बात की सूचना आरोन थाने में लिखित में दी गई थी, इसके बाद भी यहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगरवासियों ने बताया कि अगर चोरियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो नगरवासी उग्र आंदोलन करेंगे। नगरवासियों द्वारा इस घटना से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्न भी उठाया जा रहा है। इस विषय में पुष्टि के लिए जब हमने आरओनटीआई से बात करना चाही तो वे मौके पर नहीं मिले। मैंने कही ना दीवान जी में गश्त हो रहा हो तो तगड़ो तो आप मुझे चोरी ये कल की रात में चोरों ने दो कमरों के ताले तोड़ के और पश्चिम दीवार में सेंध मारी। आपको कैसे पता लगा? हम 7:30 बजे स्कूल आए थे, पता चला। तो स्कूल में ही हुई है चोरी? जी, स्कूल में। क्या क्या सामान लिया? सामान तो बखेरा है, उन्होंने सामान गया तो कुछ नहीं, कागज बस्ते जो थे वो सब पलेटे उनने और सेंध मारी करिए पट्टी तोड़िए और पट्टी तोड़ के पश्चिम दीवार में से दुकान में घुसने का उनका प्रयास। पहले भी चोरों ने प्रयास किया है? पहले 6 मार्च में की रात में किया था, 7 तारीख को हमने के लिए पहले दुकान में स्कूल में सेंध मारी करके दुकान में घुसे भी। तो फिर पुलिस प्रशासन द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जो पहले चोरी की गई थी? आवेदन पहले भी किया था, तो पहले कुछ डिसीजन नहीं लिया गया? डिसीजन का तो हमें पता नहीं, हमें कुछ जानकारी के संबंध बाकी पहले भी हमने आवेदन दिया, अभी आवेदन दिया पंचनामा प्रस्तुत। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आरोन नगर में चोरियों को लेकर नगर के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लगातार एक वर्ष से प्रतिदिन हो रही हैं चोरियां, चोर गिरोह है सक्रिय और पुलिस प्रशासन सो रहा है। लोगों ने बताया कि सभी चोरियां एक ही तरीके से की जा रही हैं। चोर गिरोह अनेकों मोटरसाइकिलों एवं घरों में चोरियों को अंजाम दे चुका है, अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। इन्हीं चोरियों के चलते नगरवासियों ने दिया ज्ञापन। नगरवासियों ने बताया कि नगर में नशे का कारोबार चरम पर है, वहीं जुआ सट्टा एवं अनैतिक कार्य भी जोरों से चल रहे हैं। पनवाड़ी हार चौकी एवं थाना आरोन में झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। नगर में प्रतिदिन हो रही हैं चोरियां, लेकिन उसके बाद भी उन पर अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी को नगरवासियों ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। और आप ध्यान रखिए, लेकिन बेटा 20 दिन हो गए उस बात को पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। और रात कल इनकी दुकान में चोरी की घटना हो गई, वो तो भाग इनका जोरदार था कि इन्होंने व्यवस्था कर रखी थी तो वो उसके अंदर प्रवेश नहीं किया। दूसरा ये परसों लोग यहाँ, परसों एक और रघुवंशी जी के यहाँ भी चोरी हुई, एक और सज्जन यहाँ खड़ा, एक साल हो गया सर, उनसे जो बोल रहे हैं सर कि घर पे तुमने घर वालों ने चोरी की है, हम कोई जाँच नहीं करेंगे। हमारा निवेदन है सर कि कम से कम अगर वो कह रहे हैं कि स्टाफ नहीं, आज से 10 साल पीछे जो था स्टाफ, जब टीआई पोस्ट नहीं थी, एक थानेदार था और 2 दीवान और 4-6 सिपाही, लेकिन आज एक टीआई है, 4 थानेदार हैं, उसके बाद और भी थानेदार हैं और बड़ा लंबा स्टाफ है, लेकिन कहीं ना कहीं कमांडर की कमी हो रही है। 20-22 चोरी हुई थी, कमांडर की कमी होने के कारण उनका स्टाफ सक्रिय नहीं रहता। हम आपसे निवेदन करते हैं, चूँकि सराफा बोर्ड एसोसिएशन है, मैं उसका अध्यक्ष हूँ, और ये सारे सराफ भी हैं और दूसरे और भी अन्य समाज के व्यापारी वर्ग है, कपड़ा वर्ग है, इनमें और भी एसोसिएशनों के अध्यक्ष भी हैं, ये सब चाहते हैं कि कम से कम
आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जाए, एसपी साहब से भी आप निवेदन करें, कम से कम गश्त रात को 12 से लेकर 4 तक बहुत तगड़ा गश्त होना चाहते हैं कि आरओ नगर में बगैर एक वर्ष से लगातार हो रही चोरी की वारदात नगर की सुरक्षा एवं पुलिस व्यवस्था के लिए भी चिंता का विषय प्रश्न चिन्ह बन गया। नगर में अनेक मोटरसाइकिलें चोरी हो गई, फिर भी आवेदन ले लिया जाता है और एफआईआर की गलती नहीं हो रही, क्योंकि आरओ नगर में एक ही तरीके से हो रही हैं जिनमें ज्वेलरी एवं गहनों को चुराया जाकर खाली डब्बे करके बाहर फेंक दिए जाते हैं। कई बार इन डब्बों पर फिंगरप्रिंट्स भी आए, लेकिन सही से जाँच न हो पाने के कारण लचर सुरक्षा व्यवस्था होने के कारण चोरों के हौसले और बढ़ रहे हैं, इसमें आए दिन चोरी की घटनाएँ बढ़ रही हैं। यहाँ आरओ में सट्टा जुआ खुलेआम चल रहा है, नशे का कारोबार चरम पर है, थाना प्रभारी द्वारा अपराधों को बढ़ावा दिया जा रहा है और बनवाली चौकी पर थाना आरओ में झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यहाँ नगर आरओ में हो रही चोरी की घटनाओं के विरोध स्वरूप महोदय के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं, कृपया उचित कार्रवाई करने की कृपया आरओ से हमारे सहयोगी चंद्रेश अग्रवंशी की रिपोर्ट। विजयनगर में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।